द फ्रंट पे मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूँ और हम आज चर्चा करेंगे आरक्षण के सवाल की, जो नए सिरे से फिर उभर के सामने आई है और इस बार किसी छोटे जगह से नहीं आई है। ये आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से आई है और वो अगर कोई चर्चा कराते हैं तो इसका मतलब वो भी गंभीर हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी जो पूरी फौज है, काफ़ी बड़ी फौज है जिसमें सरकार शामिल है, इन सब में कहीं सीरियस चर्चा हो रही है। संघ की पॉलिटिक्स में आरक्षण काफ़ी पीछे रहा है और संघ मुख्य रूप से अगड़ों का और ख़ासतौर से ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाला संगठन है, इसलिए वहाँ आरक्षण की बात ख़त्म ही करने की बात होगी, आरक्षण चालू रखने की बात नहीं होगी। लेकिन अब तक हमने देखा है कि काफ़ी देर से संघ आरक्षण के सवाल पे हाँ में आया, अदरवाइज पहले मना ही करता था क्योंकि सर्व जाति संभाव की बात वो करता रहा है सब दिन से। मंडल के भी काफ़ी दिन बाद तक संघ और संघ से भी ज़्यादा बीजेपी इस सवाल पे उलझे रहे, जूझते रहे और बीजेपी ने भी इसको बहुत बाद में स्वीकार किया कि मंडल को मानना चाहिए और आरक्षण को मानना चाहिए, उसकी अपनी पॉलिटिक्स थी। लेकिन आज की तारीख में संघ हो या बीजेपी हो या मौजूदा सरकार हो, कोई रिजर्वेशन को इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, ये तय मानिए पॉलिटिकली ये सुसाइडल होगा। तो वो मसला अपनी जगह अलग है और संघ प्रमुख ऐसी गलती कर देंगे ये आप उनसे उम्मीद मत रखिए, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि रिजर्वेशन फिर नए तरह से चर्चा में आ रहा है और आएगा। रिजर्वेशन के आने के बाद से जो पिछड़ों की ताकत उभरी है पॉलिटिक्स में, वो हम सब ने देखा है, हमारे आंखों के सामने हुआ है, कैसे जैसे जादू से वो ताकत जगा दी गई हो। सारी विधानसभाओं का चरित्र, सारे पार्लियामेंट का चरित्र, जितने कैबिनेट इस बीच बने हैं सबका चरित्र तेज़ी से बदला है और सिर्फ वही नहीं बदला है, फिर सरकारी नौकरियों से जो लोग गए हैं अलग अलग इलाकों में, थाने से लेके और ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरीट तक, सब जगह ये बदलाव महसूस किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही काफ़ी सारे लोग, जिसमें संघ भी होगा और संघ प्रमुख भी होंगे, वो ये महसूस करते हैं कि आरक्षण के सवाल ने जातिवाद को जिस ढंग से बढ़ाया है उसने बाकी चीज़ों को नज़र से ओझल कर दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें आरक्षण के वोट में, जैसे जो मंडल से लीडरशिप निकला उसके करप्शन का सवाल, उसके परिवारवाद का सवाल, सब मंडल के आगे आरक्षण के नाम पर सब छुप गया। जो भी आज के तारीख में वो सब इस पब्लिक स्क्रूटनी में और गवर्नमेंट के स्क्रूटनी में है कि सबके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। तो ये सवाल ज़रूर होगा कि क्या आरक्षण आज के तारीख में ऐसा हथियार बन गया है जो पॉलिटिक्स को सही लाइन पे आने नहीं दे रहा है, हमारे पॉलिटी को, हमारे शासन तंत्र को, हमारे राजनीति को सही लाइन पे आने नहीं दे रहा है। अच्छे मुद्दे उभर के आते हैं उनको उभरने नहीं देता है, बार बार आरक्षण का सवाल उभर जा रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आरक्षण की मांग का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। आरक्षण पहले यहाँ हो, इतना परसेंट हो, किस किस चीज़ में हो से लेके अब प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, नौकरियाँ ख़त्म हुई जा रही हैं और आरक्षण की मांग खत्म, औरतों का, मिलिट्री वालों का, आप तरह तरह से आरक्षण की मांग उठते देखेंगे। उससे भी ज़्यादा जो बहुत प्रमुखता से ये मांग उठ रही है इधर हाथ, ऐसी जातियां आरक्षण की मांग करने लगी हैं और कर रही हैं और काफ़ी हंगामा उठाया है उन्होंने, मराठों ने, जाटों ने, गुजरों ने, इन सब ने बार बार आरक्षण की मांग उठा के फिर एक नई पॉलिटिक्स शुरू की है और उसमें मुल्क की बर्बादी हो रही है, समाज के तनाव बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे आरक्षण के सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स से उठे हों या सिर्फ किसी दुर्भावना से उठाए जा रहे हों या पिछड़ों के खिलाफ द्वेष से उठाए जा रहे हों। इन आरक्षणों पे बार बार कोर्ट भी रोक लगाता है, कई तरह की फटकार पड़ती है, पार्टियां डिक्लेयर कर देती हैं, सरकारें डिक्लेयर कर देती हैं और फिर उसके बाद वापस हो जाता है। असल में बीते 30-40 साल में देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सब में जो बदलाव आया है, आरक्षण का फॉर्मूला उनको रिफ्लेक्ट ढंग से नहीं कर पा रहा है। ये सब किसान जातियाँ हैं और इकोनॉमी में किसानों की जो हालत हुई है, खेती की जो हालत हुई है, उसमें अब कितनी भी खेती हो, अब कितनी खेती माने 2000-4000 एकड़ वाले की बात नहीं है, लेकिन 2-4-5 एकड़, 10 एकड़ वाली खेती आज के तारीख में बहुत उत्पादक नहीं रह गई है। सामान्य किस्म की कोई नौकरी अगर मिल जाती है सरकारी,
तो उसमें जितनी कमाई हो जाती है उतनी 10 बीघे खेती से कमाई नहीं हो रही है। तो ऐसी जातियों में जो नाराज़गी आ रही है वो इस वजह से भी आई है कि खेती और नौकरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बीच का गैप जो है वो काफ़ी तेज़ी से बदला है। तो इसलिए भी आप देखेंगे कि सिर्फ उन्हीं जातियों की तरफ से आरक्षण की मांग उठी है या आंदोलन मजबूत उठे हैं जो खेतीहर जातियाँ हैं जिनको गाँव से जुड़ा हुआ माना जा रहा। आरक्षण के सवाल पे आज के तारीख में चर्चा उठाने की एक वजह और भी ये होगी कि जिस तरह से सरकार ने पार्लियामेंट के पिछले सत्र में या आने के बाद 70 दिन और 75 दिन और 100 दिन की गिनती जो सरकार की तरफ से चल रही है उसमें काफ़ी सारे बड़े कदम उठाए हैं और कुछ ऐसी बड़ी समस्याओं पे उसने अपनी ओर से फैसले दिए हैं या फैसले कराए हैं जिनको माना जाता था कि ये अछूत हैं राजनीति में, इनको कोई छू नहीं सकता। 370 का सवाल वैसे ही है, 3 तलाक का मसला वैसे ही है और इस पर विरोध भी रहा, इसमें वोट की पॉलिटिक्स भी रही, सब चीज़ें रहीं, इसके बावजूद सरकार ने इन सब पे फैसला किया है। ऐसे यही दो फैसले नहीं हैं, इस तरह के काफ़ी फैसले इस सरकार ने किए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि आरक्षण के सवाल पे भी सरकार इसी किस्म से कोई मजबूत फैसला करे और इसको ख़त्म करके कोई और व्यवस्था ले आए। इसमें कोई हर्जा नहीं है कि अगर इस व्यवस्था को हम ख़त्म करते हैं या इस व्यवस्था में बदलाव करते हैं, लेकिन असली ज़रूरत ये है कि एक ऐसी कंप्लीट व्यवस्था ले के आएँ जो हमारे यहाँ के जितने किस्म के डिप्रेवेशन समाज में दिख रहे हैं, और ये डिप्रेवेशन हम सब लोग अनुभव करते हैं, अलग अलग लेवल पे अनुभव करते हैं। अगर अगड़ा गरीब है तो वो भी अनुभव करता है, अगर पैसे वाला गांव का है वो बड़े शहर में आता है, बड़ी नौकरी में आता है तो वो भी ये अनुभव करता है, किसी भी परिवार की लड़की हो वो इसको अनुभव कर सकती है, कोई दलित हो चाहे वो सबसे बड़े पद पर भी चला गया हो उसको भी ये अनुभव बार बार होता है कि दलित होने के चलते उसको कुछ समाज कुछ खास किस्म से उससे अलग तरह का व्यवहार करता है। तो डिप्रेवेशन सोसाइटी में है, अलग अलग लेवल का है और डिप्रेवेशन के चलते आरक्षण की ज़रूरत बनी हुई है। और ये भी हमने देखा है कि दुनिया के समाजों में ख़ास तौर से अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा भेदभाव था रंग भेद से लेके आर्थिक और हर किस्म का भेदभाव दक्षिण अफ्रीकी समाज जितना कहीं नहीं था, लेकिन उस दक्षिण अफ्रीकी समाज में भी जो वहाँ का संविधान आया जो हर कदम पे आरक्षण की व्यवस्था करता है, उसको बोला भी जाता है कि ये रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन है, इतने रंग हैं उसमें, वहाँ की क्रिकेट टीम में भी आरक्षण है, जो मेरिट का तर्क देने वाले लोग यहाँ बार बार बोलते, और ये सब प्लेयर जो मखयानितिनी जैसे आया, तो मखयानितिनी दुनिया का सबसे तेज बॉलर और सबसे इफेक्टिव बॉलर बना, तो मखयानितिनी भी आरक्षण से आया, इस तरह के प्लेयर वहाँ आरक्षण से आ रहे हैं। तो आरक्षण की नीति अगर सरकार कहीं से भी विचार कर रही है तो उसको ये सुझाव दिया जा सकता है कि हिंदुस्तानी सोसाइटी में जितने किस्म के डिप्रेवेशन हैं, जिसमें जातिगत डिप्रेवेशन भी है, आर्थिक डिप्रेवेशन भी है, गांव शहर का डिप्रेवेशन भी है, स्कूलिंग का डिप्रेवेशन बहुत आज के तारीख में बड़ा हो गया है कि एक लड़का अगर बड़े स्कूल से पढ़ता है, शहर के स्कूल से पढ़ता है, और एक झोपड़पट्टी वाला वो टाटपट्टी वाले स्कूल से पढ़ाई करता है, उसमें भी उसको पढ़ाई की कितनी मुश्किल होती है, तो दोनों को हम बराबर नहीं मान सकते। लड़की को लड़के को कैसा भी परिवार हो इसमें फ़र्क रहता है। एक फॉर्मूला काफ़ी पहले ऐसा JNU एडमिशन में बना था, JNU का नाम काफ़ी बदनाम है लेकिन ये फॉर्मूला काफ़ी साइंटिफिक बेसिस पे बना था करीब 40-45 साल पहले, और उसमें डिप्रेवेशन के अलग अलग पॉइंट दिए गए थे। एक पॉइंट ये भी था कि आर्थिक आधार पर भी डिप्रेवेशन होगा और उसमें भी आमदनी कहाँ कहाँ होगी, तो 3 पॉइंट 2 पॉइंट 7 पॉइंट, इसी तरह से जाति में भी अगर आप दलित और आदिवासी हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, अगर आप OBC हैं या सोसाइटी की ऐसी जातियां जो मध्य जातियां कही जाती हैं तो उनको डिप्रेवेशन के कम पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह एक वहां बेसिस था स्कूलिंग, अगर आपकी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई है, प्राइवेट स्कूल से हुई है, पब्लिक स्कूल से हुई है, तो इन सब के अलग अलग डिप्रेवेशन के पॉइंट थे। और इसके ऊपर एक पॉइंट जेंडर का था कि अगर आप लड़की हैं तो 2-3 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन ये सारे डिप्रेवेशन जोड़ के 20 पॉइंट से ऊपर किसी को नहीं मिलता था, तो 50 पॉइंट आपको पिछले एकेडमिक परफॉर्मेंस के और 30 पॉइंट में टेस्ट इंटरव्यू और 20 पॉइंट डिप्रेवेशन के। इस 20 पॉइंट में 20 से ऊपर किसी को भी नहीं मिलेगा, चाहे उसको सारे डिप्रेवेशन हो तब भी।
इतने ही भर से इतना फ़र्क हो गया JNU के एडमिशन में और इतने किस्म के कमज़ोर और गरीब जमातों के बच्चे वहाँ आने लगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU के फ़र्क को हर कोई महसूस कर सकता है। तो आज की तारीख में अगर सरकार चाहती है और ये बहस कहीं संघ की तरफ से उठी है तो ज़्यादा बढ़िया होगा ये कि सोसाइटी के जो डिप्रेवेशन हैं, जो अमीर गरीब के भी हैं, जो अगड़ा पिछड़ा के भी हैं, जो दलित सवर्ण के भी हैं, जो औरत मर्द के भी हैं, जो गांव शहर के भी हैं, जो खेती और सरकारी नौकरी के भी हैं, इन सारे डिप्रेवेशन के वेटेज अलग अलग किस्म से जोड़ के एक कंप्लीट ये बनाया जाए और उस बेसिस पे मार्क्स दे के हर बच्चे को एडमिशन से लेके नौकरी में अगर उस हिसाब से थोड़ा प्रिविलेज दो कदम आगे बैठाने का मामला है और जैसे वो बच्चे थोड़ा आगे बैठते हैं, थोड़ा आगे होते हैं और उनको अवसर मिलता है, वो अवसर मिलते ही आगे आते हैं। तो ये काम अगर संघ की तरफ से, जो पहले रिजर्वेशन को मानता था कि जाति तो बढ़ाने वाली चीज़ है, उसकी तरफ से पहल हो रही है, ये सरकार भी काफ़ी देर से इस सवाल पे आई है BJP, तो अगर ये सब मिलके और आज जो उसकी ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करके रिजर्वेशन को एक बढ़िया और रचनात्मक और साइंटिफिक एक पैरामीटर के बेसिस पे ला दें तो ये मुल्क के लिए, समाज के लिए काफ़ी बड़ा योगदान होगा और योगदान इस मायने में भी होगा कि फिर पॉलिटिक्स भी सही ट्रैक पे आएगी और फिर ये रोज़ का झुनझुना बजना ख़त्म हो जाएगा कि आप आरक्षण का सवाल उठाइए, खुद के पिछड़ा होने का सवाल उठाइए। जैसे इनकम टैक्स का रेड होगा पिछड़ा नेता पे, वो कहेगा कि हमको दलित होने के चलते, पिछड़ा होने के चलते हमारे खिलाफ रेड हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें कि आरक्षण किसी के लिए अपने करप्शन छुपाने का, अपनी सत्ता छुपाने का, उसका इस्तेमाल करने का चीज़ न रहे, जेन्युइन गरीब कमज़ोर और पिछड़े जमातों को उसका लाभ मिले और हर किस्म के पिछड़ेपन को, हर किस्म के डिप्रेवेशन को एड्रेस करे, ये समझ अगर ये सरकार कर देती है तो समाज के लिए भी, पॉलिटिक्स के लिए भी स्वस्थ होने का एक रास्ता खुलेगा। तो बहस अगर संघ की तरफ से और संघ प्रमुख की तरफ से आई है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहस इस रचनात्मक लाइन पे चलेगी और उस तरफ अगर जाती है तो इसका स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। खबर नहीं, खबर की पूरी समझ, साफ और निष्पक्ष, आपको बताएंगे देश के नामी पत्रकार और विशेषज्ञ। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।